हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द समरी ऑफ द स्टोरी द मास्क बाय सत्यजीत रे। सत्यजीत रे ने बहुत से डिटेक्टिव नॉवेल्स लिखे हैं, जिनमें से जो मेन है उसमें मोस्टली कैरेक्टर्स जो है फेलुडा का बहुत ज़्यादा ही होता था। तो इस समरी को ध्यान से सुनिए। द मास्क बाय सत्यजीत रे इज़ एन एक्साइटिंग स्टोरी अबाउट अ यंग प्राइवेट डिटेक्टिव फेलुडा। मास्क जो स्टोरी है सत्यजीत रे ने लिखी है, बहुत ही एक्साइटिंग है। इसमें एक यंग प्राइवेट डिटेक्टिव है, जासूस है, जिसका नाम फेलुडा है, हु इज़ द मेन कैरेक्टर इन अ पॉपुलर सीरीज ऑफ डिटेक्टिव नॉवेल्स रिटन बाय सत्यजीत रे। और ये फेलुडा यही मेन कैरेक्टर है, और सत्यजीत रे के जो भी डिटेक्टिव नॉवेल्स होते थे उनमें मोस्टली इनका नाम बहुत होता था, और इस कैरेक्टर को बहुत ज़्यादा ही अच्छे से वर्णित करते थे। इन दिस स्टोरी फेलुडास कज़न, हु इज़ ऑल्सो द नरेटर, इन्फॉर्म्स हिम दैट अ रिटायर्ड जेंटलमैन इन दार्जिलिंग, राजन बाबू, हैज़ रिसीव्ड अ थ्रेटनिंग लेटर। अब फेलुडा का जो कज़न है, जो साथ के साथ नरेटर भी है, नरेटर मीन्स जो स्टोरी को बता रहा है, नरेट कर रहा है, वो उसको बताता है कि एक रिटायर्ड जेंटलमैन है जिनका नाम है राजन बाबू, जो अभी दार्जिलिंग में रहते हैं, उनको एक धमकी भरा ख़त मिला है। फेलुडा ऑफर्स टू ट्राई एंड सॉल्व द मिस्ट्री। अब फेलुडा कोशिश करता है कि इस मिस्ट्री को सॉल्व करें कि वो कल्प्रिट, वो थ्रेटर कौन है जो उनको धमकी दे रहा है। एंड आफ्टर एन इन्वेस्टिगेशन दैट लीड्स टू मैनी इंटरेस्टिंग डिस्कवरीज अबाउट द लाइफ ऑफ द वेरियस कैरेक्टर्स, ही फाइंड्स द कल्प्रिट। अब जब ये उस कल्प्रिट की, उस इंसान की खोज करते हैं जिसने शैतानी की होती है, तो इसमें डिफरेंट कैरेक्टर्स के डिफरेंट रूप हमारे सामने आते हैं। हर कैरेक्टर के बारे में हमें पता चलता है जो इस स्टोरी में है, कि कौन किस टाइप का है और किस टाइप का नेचर रखता है। द स्टोरी देन टेल्स अस दैट आर एक्शंस कैन अफेक्ट अस एज वेल एज अदर्स इन वेज दैट वी कैन नॉट इमेजिन। और ये स्टोरी हमें ये भी बताती है कि हमारे एक्शन यानी हमारे वर्क हमारे ऊपर तो असर डालते ही डालते हैं, दूसरों पर भी ऐसा असर डालते हैं जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते हैं। इन द एंड द रीडर्स आर एबल टू सी हाउ फ्रॉम द वेरी बिगनिंग द क्लूज हैड बीन पॉइंटिंग आउट टू दिस पर्सन। लास्ट में हम ये देखते हैं कि स्टार्टिंग से ही जो हमें क्लूज मिले थे उस इंसान के बारे में जो कल्प्रिट था, जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगा था कि उसने वो ख़त लिखा था, तो बहुत से क्लूज देती है स्टोरी। और वो इंसान कौन था? वो थे टिंकोरी बाबू, हु वॉज द कल्प्रिट। और यही टिंकोरी बाबू कल्प्रिट थे जिनका लास्ट में फेलुडा पता लगा लेता है कि हाँ, इन्होंने इस तरह का धमकी भरा ख़त लिखा था, और क्यों लिखा था ये भी इस स्टोरी में बता दिया गया है।